नमस्कार साथियों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। मैं राजू डांगी वेटरनरी स्टडी यूट्यूब चैनल से। साथियों, आज की जो अपनी वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सभी जितने भी वेटरनरी साथी हैं, नए साथी हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आज की वीडियो है। आज की वीडियो में जो है साथियों, मैं आपको बताऊँगा कि कोई सी भी दवाई है, मेडिसिन है, उसकी जो डोज रेट है वो कैसे निकाले, यानी कि जो डोज रेट, यानी कि कौन से पशु को कितने ml में दवाई देनी है, उसको इंजेक्शन लगाना है या फिर कोई दवाई पिलानी, उसकी डोज रेट क्या होती है, कितनी होती है, वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो साथियों, वीडियो को पूरा जरूर विजिट करना, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किसी भी तरह की कोई भी अगर मेडिसिन है तो उसकी डोज रेट कैसे निकाले। अगर कोई 50 किलो का पशु है, कोई 400 किलो का पशु है, तो उसको इंजेक्शन कितने ml पे लगाए, क्योंकि सब इंजेक्शन की जो डोज रेट होती है वो अलग अलग होती है, और जो डोज रेट जो होती है वो mg में होती है, मिलीग्राम में होती है, और उसको ml मिलीलीटर में कैसे कन्वर्ट करें कि mg को ml में कितना देना है, यानी कि अगर कोई इंजेक्शन 5 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से, तो उसको ml में कितना देना है, क्योंकि सीरिंज जो होती है जिसमें हम इंजेक्शन भरते हैं, जो दवाई भरते हैं, वो ml में होता है, तो ml में कितनी हमें वो दवाई देनी है, वो जो डोज रेट कैसे निकालते हैं, मैं आपको बहुत ही अच्छा सिंपल और अच्छा तरीका बता रहा हूँ आज की इस वीडियो में। तो साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, और जो अपना वेटरनरी स्टडी फेसबुक पेज है वहाँ पर भी आप जरूर ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और इंस्टाग्राम पर भी आप जरूर फॉलो करें, राजू डांगी नाम करके जो है आपकी आईडी है हमारी। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो को कि डोज रेट कैसे निकाले, mg टू ml में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो लीजिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों, मैं आपको जो है डोज रेट कैसे निकालते हैं इसके बारे में आपको जो है इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, सूत्र, जिसके माध्यम से हम डोज रेट निकालेंगे बहुत ही आसान तरीके से। वो फॉर्मूला क्या है कि सबसे पहले तो हमें निकालना क्या है, ml में, है ना साथियों, किस में निकालना है, ml में। ml में हमें डोज रेट निकालनी है, तो इसके लिए सूत्र होगा आपका कि जो खुराक दर है, डोज रेट, ठीक है साथियों, डोज रेट इनटू जो डोज रेट होगी वो mg पर kg बॉडी वेट में होगी, किस में होगी, mg पर kg बॉडी वेट में, और इंटू करना है हमें यहाँ पर जानवर के शरीर का वजन, क्या कि जानवर जो पशु है जिसको लगाना है कितने वजन है उसका, वो वजन वो होगा किलोग्राम केजी में अपॉन बटावा औषधि की सांद्रता, ठीक है, औषधि की सांद्रता होगी वो mg पर ml में होगी। ये इसका सूत्र होता है, ml खुराक की मात्रा जो हमें निकालनी है, ml में जो हमें डोज रेट निकालनी है कि कौन सी दवा कितनी ml में दी जाती है। तो सबसे पहले डोज रेट जो खुराक दर है mg पर kg बॉडी वेट में वो, और दूसरा है पशु का वजन, जिस पशु को हमें दवाई लगानी है, दवाई देनी है, उसका पशु का वजन kg में, और mg पर ml में जो औषधि होती है उसकी सांद्रता। खुराक दर डोज रेट से जो है खुराक की मात्रा डोज ज्ञात करने का सूत्र, यानी कि ये तो आपकी खुराक दर है, ठीक है साथियों, ये क्या है, खुराक दर है, और ये खुराक की मात्रा है कि मात्रा ml में कितनी हो जाएगी। अब इसके साथ में ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है साथियों, क्या है फॉर्मूला, ठीक है साथियों, ये आपका फॉर्मूला है, इसके माध्यम से आपको जो है किसी प्रकार की कोई भी जो मेडिसिन होती है उसकी हो डोज रेट हम ज्ञात कर सकते हैं। अब जो मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, जैसे कि टेरामाइसिन जो मेडिसिन है उसका मैं आपको उदाहरण देके बताता हूँ कि जो डोज रेट है कैसे निकालते हैं। तो माना कि जो टेरामाइसिन है उसकी एक वाइल है OTC, ठीक है साथियों, एक वाइल है OTC, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन की सांद्रता कितनी है वाइल में, वो है 200 mg पर kg, सॉरी पर ml, है ना, यहाँ पर आपका पर ml है, यानी कि जो OTC की जो वाइल है, टेरामाइसिन की जो OTC की वाइल है उसमें उसकी सांद्रता कितनी है, 200 mg पर ml है,
और अगर हमें 500 kg का अगर पशु है, 500 kg का अगर पशु है तो उसकी उसको OTC कितनी लगेगी, अगर वो बीमार है या फिर किसी भी कारणवश हमें अगर उसको मेडिसिन लगानी है, इंजेक्शन लगाना है, तो दवाई की मात्रा कितनी हो जाएगी अगर वो 500 kg का पशु है। और जो टेरामाइसिन है उसकी जो डोज रेट है, ठीक है सर, तो क्या डोज रेट वो 10 mg पर kg बॉडी वेट के अनुसार है। ये साथियों डोज रेट जो है हमें याद रखनी पड़ती है, और जो डोज जो मात्रा होती है कितने ml में लगाते हैं वो हम याद कर सकते हैं, ये हमें याद रखनी पड़ती है। तो पशु में 50 kg बॉडी वेट के लिए 10 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से OTC लगता है, तो ये mg है और हमें निकालना है ml में, ठीक है साथियों। तब हमें सूत्र को यूज करना है, जैसे कि अपने जो डोज रेट है वो कितनी हो गई 10 mg पर kg इनटू हो जाएगा आपका वजन कितना है पशु का 500 kg, और अपन कितना सांद्रता कितनी है वो है 200 mg पर ml, ये आपका सूत्र हो जाएगा। इसके लिए पहले तो खुराक की मात्रा, यहाँ पर हो जाएगा आपका खुराक की मात्रा, और यहाँ पर हो जाएगी आपकी खुराक दर, ठीक है। तो ये खुराक की मात्रा हमें ज्ञात करनी है, यहाँ पर आपके खुराक दर हो जाएगा और यहाँ पर आपका पशु का वजन हो जाएगा, और बटावा आपकी जो भी औषधि है उसकी सांद्रता कितनी है, औषधि की सांद्रता जो हमें ज्ञात करनी है वो ज्ञात करनी है ml वाली, और जो औषधि की सांद्रता है वाइल में वो mg पर ml में होती है। तो अब हमें 500 kg पशु के लिए कितना ml जो है ये OTC लगेगा, इसके हमें ये निकालनी है। तो इसके सूत्र के हिसाब से हमने इसको सेट कर लिया है, 10 mg तो खुराक दर है पर kg बॉडी वेट के अनुसार, और पशु का वजन कितना है 500 kg, और जो सांद्रता कितनी है उसमें वाइल की तो वो है 200 mg। अब इसको हम अगर सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 20 से 20 कट जाएगा और वापस ये इधर अगर हम इसको इंटू करेंगे तो ये 50 हो जाएगा, ठीक है साथियों, ये 50 हो गया। अब इसको हम 2 से कट करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, यानी कि जो अपनी ml में जो अपनी मात्रा है वो कितनी हो गई 25 ml, यानी कि 500 kg का जो पशु है उसको 25 ml ये OTC लगेगी। इस प्रकार से ये मेडिसिन ज्ञात करते हैं मेडिसिन का। अब मैं आपको जो है एक और बता देता हूँ, जो एल्बेंडाजोल जो डीवर्मिंग है एल्बेंडाजोल, उसकी मैं आपको बता देता हूँ एक और, ठीक है साथियों। एल्बेंडाजोल की अब सबसे पहले जो एल्बेंडाजोल है उसकी डोज रेट क्या है, ठीक है साथियों, क्या डोज रेट क्या है, और जो खुराक दर हमें ज्ञात करनी है, सॉरी खुराक की मात्रा, तो जो एल्बेंडाजोल है उसकी खुराक दर होती है 5 से 10 mg, 5 से 10 mg पर kg बॉडी वेट, ठीक है साथियों, कितना 5 से 10 mg। तो अगर हम एवरेज माने तो उसको हम एवरेज यूँ समझो कि 8 ले लेते हैं, 8 mg, ठीक है, 8 mg पर kg बॉडी वेट। तो पशु का वजन, ठीक है साथियों, उसका वेट कितना हो जाएगा, तो वजन मान लो कि हमने 200 kg ले लिया, 200 kg उसका वजन है, और उसकी जो सांद्रता होगी वो कितनी होगी वो भी मैं आपको साथ में बताता हूँ, कि माना कि उसकी जो सांद्रता है वो है 100 mg पर ml में, ये उसकी सांद्रता हो जाएगी एल्बेंडाजोल की, और ये हो गया आपकी डोज रेट, ये आपका पशु का वजन। तो अब इसको हम अगर सोल्व करेंगे 8 mg पर kg बॉडी वेट इसकी डोज है, इनटू पशु का वजन हो गया 200 kg, और बटावा औषधि की जो सांद्रता है 100 mg पर ml, ठीक है साथियों। तो ये कट जाएगा, इस इधर 100 हो जाएगा, अब इसको हम इंटू करेंगे तो 800 ml हो जाएगा,
इस प्रकार से जो 200 केजी का अगर पशु है उसको हम 200 ml एल्बेंडाजोल देते हैं। ये हालांकि जो अपने सांद्रता ली है उसके अकॉर्डिंग ये ज़्यादा निकल रही है, क्यों? क्योंकि हमारी जो सांद्रता ज़्यादा है इसलिए। बाकी अगर जो एल्बेंडाजोल होते हैं उसकी सांद्रता कम होती है, तो अगर मान लो कि अगर 10 होगी, ठीक है सर, तो अगर 10 उसकी सांद्रता होती है तो ये इधर कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये डोज रेट निकाली जाती है। जैसे कि ये 10 से 10 कर जाएगा तो 107 हो जाएगा। इस प्रकार से ये डोज रेट निकाली जाती है। तो साथियों, आपको ये डोज रेट का जो है पूरा आपको पता चल गया होगा। ये आप फॉर्मूला यूज़ करते हैं, यहाँ पर ये फॉर्मूला देख सकते हो। खुराक की मात्रा बराबर डोज रेट mg पर kg में इंटू पशु का वजन किलोग्राम में और बटावा mg पर ml औषधि की सांद्रता। तो ये डोज रेट निकालने का सूत्र है जिसके माध्यम से हम डोज रेट निकालते हैं। तो साथियों, आशा कि आपको हमारी ये जो आज की वीडियो है अच्छी लगी हो, तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करना। मिलेंगे ऐसी कुछ रोचक जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।